अभी 20-25 दिन पहले तक कोविड की मार झेल रहे सूबे के मुखिया और उनकी पार्टी की टॉप लीडरशिप उन हजारों मौतों को पीछे छोड़ विधानसभा चुनाव के जोड़ घटाने में लग गई है। गंगा में तैरती सैकड़ों लाशें, घाटों में दफन सैकड़ों शव, शहरों से लेकर गांवों तक में हजारों परिवार में अपनों को खोने का मातम अभी शांत नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गया। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सूबे में जितनी जाने कोविड से गई उससे कहीं ज्यादा तो अस्पताल में बेड और सही इलाज न मिलने की वजह से गई है। लेकिन सूबे के मुखिया शायद इन मौतों से ज्यादा संवेदनशील अपनी कुर्सी बचाने में दिख रहे हैं। अब देखिए ना, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अचानक से दिल्ली पहुंचना, पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, नए नए पार्टी में आए जीतन प्रसाद से मुलाकात, फिर दूसरे दिन पीएम मोदी से मिलना, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना, फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात, ये बताने के लिए काफी है कि यूपी के मुखिया और उनकी पार्टी के टॉप लीडरशिप चुनावों को लेकर कितनी फिक्रमंद हो चली है। काश कि यही फिक्र कोविड से हो रही मौतों को रोकने में दिखाई गई होती। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दरअसल बीते दिनों में यूपी में संगठन और सरकार के लेवल पर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बातें यहां तक की गई हैं कि नरेंद्र मोदी योगी जी से बेहद नाराज हैं, इसलिए उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि पार्टी ने कहा कि ये मीटिंग्स विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के परफॉर्मेंस को लेकर है, लेकिन ये सियासी तपिश अचानक से तब और बढ़ गई जब महाराज जी गुरुवार को अचानक से दिल्ली आ पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच आज सुबह करीब 10:45 पर मीटिंग शुरू हुई, जो डेढ़ घंटे चली। पीएम और सीएम के इस भेंट पर यूपी चुनाव और कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा को कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम से मिलने के तुरंत बाद योगी सीधे जेपी नड्डा के घर पहुंचे और उसके बाद योगी ने 1:30 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। ये खबर है कि योगी कैबिनेट में जीतन प्रसाद शामिल हो सकते हैं, उन्हें MLC बनाया जा सकता है। वो 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। वो यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। इससे पहले गुरुवार को सीएम योगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। जब शाह और आदित्यनाथ की मुलाकात चल रही थी, उसी समय अपना दल की अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शाह के आवास पर पहुंची। यूपी के ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय कुमार निषाद और संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद ने भी शाह से मुलाकात की। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह ने लखनऊ का दौरा किया था और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान राज्य सरकार के मंत्रियों और संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। इसके बाद आदित्यनाथ के अचानक दिल्ली पहुंचने और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने के बाद एक बार फिर राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें केवल मीडिया को दिखाने के लिए हैं। सियासी एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों में सूबे में कोविड महामारी का मिसमैनेजमेंट, नदियों में तैरती लाशें, घाटों में दफन शव और पंचायत चुनाव में उम्मीद से खराब नतीजों की वजह से मोदी और शाह योगी से बेहद नाराज हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि मोदी शाह यूपी में योगी को बदलने तक का मन बना चुके थे, लेकिन संघ के इंटरफेरेंस के बाद वो शांत हुए, लेकिन योगी से उनकी नाराजगी पूरी तरह से खत्म हुई नहीं। मोदी शाह किसी भी हाल में 2022 में यूपी को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए कोविड से हुए नुकसान पर योगी की डैमेज कंट्रोल करके हर वो कदम उठाने को कहा गया है जिससे 2022 में यूपी में दोबारा से बीजेपी का झंडा गाड़ा जा सके। खैर, वजह कुछ भी हो, लेकिन ये बात जरूर अफसोसजनक है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के घरों में अभी मातम शांत भी नहीं हुआ होगा कि सूबे के सत्ताधारी पार्टी अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा फिक्रमंद दिख रहे हैं। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।